वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया इसराइल को कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाला गया है रिटायर्ड जो डिप्लोमेट्स थे उन लोगों के तरफ से। तो आज के डेट में अगर हम लोग देखें इंडिया इसराइल का जो रिलेशन है ये बहुत लॉन्ग टर्म से बहुत ही एक अच्छा जगह में है और लास्ट एक डेढ़ साल से इसराइल में वार चल रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ वार। इसराइल 5-6 कंट्री के साथ पंगा लेके बैठा है और ये जो वार है गाजा में ये तो बहुत पहले शुरू होता है, ये अभी भी चल रहा है और ये हो सकता है कि ये इन फ्यूचर जाके भी कंटिन्यू करे। तो ये इसराइल का जो एग्जैक्ट स्टेटस है प्रेजेंटली, अगर हम लोग देखें कि इतना सारा कंट्रीज के साथ इतना झमेला, या फिर हमास हो, हिजबुल्ला हो, ईरान हो, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कंट्रीज के साथ इसराइल का जो प्रॉब्लम है, हर किसी के साथ इसराइल लड़ रहा है और ये लड़ाई चलाने के लिए इसराइल को जो सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए वो है डिफेंस इक्विपमेंट। मगर प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें इंडिया में ये पीआईएल डाला गया है कि आगे जाके इसराइल को इंडिया कोई भी वेपन जो है वो सप्लाई नहीं करे, इसके बाद ये डिसीजन जो है ये सुप्रीम कोर्ट अभी जाके लेगा। तो ये सुनने के बाद आप कह ही सकते हो कि हाँ भैया, दुनिया में तो बहुत सारा कंट्रीज है जो लोग ऑलरेडी पहले से ही इसराइल को जो है अपने तरफ से ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये देना बंद कर दिया है, इन पर बैन डाल दिया है, तो इंडिया भी कर सकता है, इंडिया कर सकता है, मगर उसके पीछे क्या रीज़न है, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है, ये भी हम लोगों को जानना चाहिए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं पूरा जो फैक्ट है एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ है या फिर किस लिए ये हुआ है। आज नहीं, अगर हम लोग बहुत पहले से ही देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि इसराइल के साथ इंडिया का जो रिलेशन है ये काफ़ी अच्छा है, एक टाइम में जब हम लोग के इंडिया में कारगिल में पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे वो लोग आके बैठ गया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से यूएस को अप्रोच किया था कि भाई उपहार के ऊपर में जो टेररिस्ट अपने तरफ से कैंप बना है, हम लोग के पास, हम लोग का जो टेक्नोलॉजी उस टाइम में उस लेवल पर नहीं था, जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रोच किया था यूएस को कि आप लोग अपने तरफ से प्लीज़ हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए कि पहाड़ में कौन कौन सा लोकेशन में टेररिस्ट है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस ने अपने तरफ से ये इन्फॉर्मेशन इंडिया को प्रोवाइड नहीं किया, इंडिया को हेल्प नहीं किया। फिर इंडिया जाके ये बात जो है ये इसराइल को बोला, इसराइल ने अपने तरफ से अपना जो कोऑर्डिनेट्स है वो शेयर किया, एग्जैक्ट लोकेशन शेयर किया, जिसके वजह से इंडिया ने अपने तरफ से जंग लड़ा और जंग लड़ने के बाद इंडिया ने अपने तरफ से पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है हर किसी को मार के गिराया, जो भी था कुछ भाग भी गए होंगे पाकिस्तान। और इसके बाद अगर आज के डेट में भी देखें तो हम लोगों के साथ जो इसराइल का रिलेशन है ये काफ़ी अच्छा है। ऑन द अदर साइड आज के डेट में डिफरेंट जो कंट्रीज़ है वो इसराइल पे ऑलरेडी बैन डाला है कि भाई हम लोग जो है अपने तरफ से जो वेपन है ये आप लोगों को नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, जिसमें कनाडा, इटली, बेल्जियम, स्पेन, नीदरलैंड, ये सारा बहुत सारा कंट्री है। और स्पेन तो एक ऐसा कंट्री है जो सिर्फ अपने तरफ से जो वेपन है वो सप्लाई करना बंद नहीं किया, ऑन द अदर साइड वो अपने तरफ से डिफरेंट कंट्रीज़ को भी बोला है कि आप लोग भी इसराइल को जो है कोई भी एमुनेशंस या फिर वेपन सप्लाई मत करो। मगर ये सबसे इसराइल का क्या कुछ फ़र्क पड़ता है? टू बी ऑनेस्ट, इसराइल का इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, मगर इसराइल इसको भी रिकवर कर लेता है क्योंकि इसराइल के ऊपर जो भी हाथ है वो है यूएस का। यूएस अपने तरफ से जो वेपन अभी इसराइल को सप्लाई कर रहा है, आगे जाके कोई भी कंट्री अगर इसराइल को कुछ भी सप्लाई करे या ना करे इसराइल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग इंडिया को देखें तो इंडिया के तरफ से अगर इसराइल को वेपन एक्सपोर्ट करना कभी भी इसमें बैन लग जाता है तो आगे जाके इसमें ऑब्वियसली इसराइल का जो है एग्जैक्टली एक प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा वो मैं आपको आगे जाके बोलता हूँ, उससे पहले बोलता हूँ यूके का बात। अब यूके जो है वो यूएस का बहुत ही अच्छा दोस्त है, मगर यूके ने अपने तरफ से 350 आइटम इसराइल को एक्सपोर्ट करता था, जो डिफेंस आइटम है, डिफेंस रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट्स होता है जिनमें एमुनेशन सब कुछ ही है ऑलमोस्ट। तो यूके में भी अपने तरफ से 30 आइटम पे बैन लगा दिया कि भाई ये जो 30 आइटम है ये हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे इसराइल को, बाकी जो रिमेनिंग आइटम था वो आइटम जो है यूके अभी भी एक्सपोर्ट करता है इसराइल को, जो कि ऑब्वियसली डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स है और डिफेंस रिलेटेड जो भी ज़रूरत है वार में वही सब यूके अपने तरफ से सप्लाई करता है। तो ये बात जब बेंजामिन नेतन्याहू को पता चला कि यूके के तरफ से ये डिसीजन लिया गया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बेंजामिन नेतन्याहू अपने तरफ से बोला शेमफुल फॉर यूके, मगर उन्होंने ये भी कहा कि यूके अगर कोई हथियार सप्लाई करता है या फिर नहीं करता है उसके वजह से हम लोग का जंग पर कुछ असर नहीं होगा, हम लोग ये जंग जीत के ही रहेंगे। मतलब आज के डेट में अगर देखा जाए इसराइल काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि जो भी वार होगा, जो भी है वो उसमें इसराइली हमेशा जीतेगा। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने तरफ से एक प्रेजेंटेशन पेश किया है जिसमें एक इसराइल का मैप दिखाई दे रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू अपने तरफ से एक्सप्लेन कर रहे हैं डिफरेंट जो वार रिलेटेड सिचुएशन है, एग्जैक्ट इसराइल क्या कर रहा है, आगे जाके क्या होगा, ये सब। तो ये जो मैप है इसको अगर जूम करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जूम करने से जो वेस्ट बैंक का एरिया है इसराइल के मैप के अंदर वो घुस गया है। मतलब इसराइल का अभी जो सोच है इसमें सिर्फ जो गाजा है वो ही कब्जाना नहीं है, ऑन द अदर साइड इसराइल का ये भी सोच है कि आगे जाकर जो वेस्ट बैंक है उसको भी वो लोग कब्जा लेगा।
इसराइल का जो बॉर्डर इजिप्ट के साथ शेयर करता है, इसी प्लान में देखा जा रहा है कि उसमें जो है उसको कम्प्लीटली कंट्रोल जो करेगा आगे जाके वो इसराइल कंट्रोल करेगा। तो भी वेरी ऑनेस्ट, वेस्ट बैंक एक बहुत बड़ा एरिया है, अगर इसको इसराइल कब्जाना चाहता है अपने तरफ से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इसराइल को दो चीज़ का ज़रूरत है, एक है कि वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ का सपोर्ट, और दूसरा है कि जो कंट्री सपोर्ट करे वो लोग अपने तरफ से जो एमुनेशन से, जो डिफेंस इक्विपमेंट से वो इसराइल को एक्सपोर्ट करें। आज के डेट में अगर देखा जाए वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है, ये जो प्लानिंग है इसराइल का, इसको देख के डर गया है। सऊदी अरब जो बहुत पहले से ही खामोश थे, ये प्लान को देखने के बाद वो लोग भी अपने तरफ से बोल पड़ा कि इसराइल जो कर रहा है ये ठीक नहीं है, ये क्रुएल्टी है और ये करना नहीं चाहिए इसराइल को। ऑन द अदर साइड इसराइल कम्प्लीटली डिटरमाइंड है, उनको जो करना है वो लोग अपने तरफ से वही करेगा और वही जगह को वो लोग कब्जा लेगा। तो आगे जाके अगर इसराइल वेस्ट बैंक की तरफ अब कब्जाना के लिए मूव करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसराइल को चाहिए हथियार। यूएस इसराइल को नो डाउट ऑब्वियसली हमेशा ये जो एक्सपोर्ट है वेपन का ये कर रहा है। ऑन द अदर साइड इसराइल को चाहिए और भी ज़्यादा हथियार, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये और भी ह्यूज वॉल्यूम में लड़ाई होगा। हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में इसराइल अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर प्लेस करे रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ वॉर रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है उसको लेके। इंडियन जो कंपनीज है, अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, हर किसी को कि भाई हम लोग को हथियार चाहिए, आप लोग हथियार बनाओ और हम लोग को एक्सपोर्ट करो। ऑन द अदर साइड जैसे मैंने आपको कहा कि जो PIL डाला गया है, ये PIL का जो हियरिंग होगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे जाकर डिसीजन लेगा कि ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई हाँ इसराइल में जो एक्सपोर्ट है वेपन का ये कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए, तो आगे जाके इंडिया का एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि कल जाके अगर इंडिया पे कोई अटैक करता है या फिर इंडिया में सेम सिचुएशन जैसे कारगिल लाइक सिचुएशन तैयार हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम US जो है वो हम लोग को हेल्प नहीं करेगा। ऑन द अदर साइड हम लोग को फिर उस टाइम में इसराइल के पास ही जाना होगा, और इसराइल अगर हम लोग को उस टाइम में इग्नोर करे जैसे कि अभी जो सिचुएशन है, अगर हम लोग ऐसे करते तब हम लोग के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहेगा। हो सकता है कि हम लोग को जो दुश्मन है उन लोगों के साथ आगे जाके निगोशिएशन करना पड़े, जो कि एक बहुत ही मतलब मेजर खराब होगा हम लोग के लिए। तो ये जो दोस्ती है इंडिया और इसराइल का, ये टूटना नहीं चाहिए। ऑन द अदर साइड इसराइल जो ये जिद पकड़ के बैठा है कि हम लोग को डिफरेंट लोकेशन को अपने मैप के अंदर लाना है, और इसके वजह से जो नॉर्मल सिटीजन से उन लोगों का जो डेथ हो रहा है ये भी होना नहीं चाहिए। तो आगे सुप्रीम कोर्ट का जब हायरिंग होगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, जैसे डिसीजन आएगा मैं आप लोग के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा। और होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU PAUL को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपका लगता है जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है उनको पता चलता है कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है, आपका जो टेस्ट है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। और जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ जो बेल बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि वीडियोज़ जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।